पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिले बहुमत पर हमीरपुर कांग्रेस में खुशी की लहर है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जीत पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इन चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को हजार नरेंद्र मोदी समाप्त नहीं कर सकते और भारत को कांग्रेस मुक्त कभी नहीं किया जा सकता। कौशल ने कहा कि इन चुनावों में मोदी मैजिक समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि तीन राज्यों के चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की स्थिति मजबूत की है और जो बीजेपी नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे उनके मुंह बंद हो गए हैं। कौशल ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस की बढ़त मिलेगी और लोग बीजेपी को आईना दिखाएंगे। पांच राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और इन चुनावों के जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों से एक चीज़ पूर्णतः स्पष्ट और साबित हो गई है कि हिंदुस्तान के अंदर झूठ, फरेब, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की, जुमलेबाजी की और जनता को गुमराह करने की राजनीति जो है उसका अंत होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, दूसरे नेता हों, लंबे समय से हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करने की बात बड़े अहंकार भरे शब्दों में कहते आ रहे हैं, लेकिन इन चुनाव परिणामों में साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको नरेंद्र मोदी तो क्या और हजार नरेंद्र मोदी पैदा हो जाएं, वो भी समाप्त नहीं कर सकते। भारत को कांग्रेस के मुक्त नहीं किया जा सकता। उल्टा इन चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी जो है उसको बैकफुट पे ला दिया है और व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक मैजिक जिसको कहते थे, वो मैजिक जो है वो अब इन चुनाव परिणामों से समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका है। प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव से पूर्व कांग्रेस का स्टैंड अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा मुद्दा उठाने पर ही इन पांच राज्यों के चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट होने के कारण धांधली रुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पूर्व सरकार के समय के कामों की जांच करवाने के मुद्दे पर प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस ने कभी गलत काम नहीं किया है और अगर सीएम जांच करवाना चाहते हैं तो वह करवा सकते हैं। पार्टी का आज भी यही मत है कि अब जब बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, जिन देशों ने ईवीएम को ईजाद किया, वो देश अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकते? वीपी पैट अगर नहीं आता तो आज भी ईवीएम के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता। ये तो हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी दल जो हैं उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर जो जहां जहां से शिकायतें आई, जहां जहां धांधली हुई और देखने में आई, पकड़ में आई, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हुआ है। उसको जब इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाए, सारे राजनीतिक दल जो हैं, विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तब जब बीपी पैट आया तो इस बार जो है, मैं समझता हूं कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं इसमें जो ईवीएम की धांधली है वो रुकी है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की हर लिहाज से सेवा की है। हिमाचल को तरक्की के मार्ग पर कांग्रेस पार्टी आगे लेके गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या करना है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। कांग्रेस पार्टी न किसी इंक्वायरी से घबराती है, न किसी जांच से घबराती है।